और ये है मेरी टोयोटा प्रोबॉक्स। अब आज का काम कुछ यूँ है कि हमें ईएल वायर सॉल्व करनी है अपनी गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये कितना मैला है, ये कितना साफ कर दिया हम। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं हमें खुशखबरी के साथ कि आज हमारी होंडा BRV की डिलीवरी डे, जो कि हमने तकरीबन 2 महीने पहले बुक कराई थी और वो हमें मिलेगी होंडा अल-खैर मोटर कराची के अंदर। तो गाड़ी हमने करी ब्लैक कलर में बुक क्योंकि ब्लैक लुक एक्स्ट्रा हॉट। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं होंडा के शोरूम में और अभी हमें पेपर्स दिखाने हैं, फिर उसके बाद हमें गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी। अपनी नई गाड़ी में चलें चलें कहाँ से यूं ही चलेंगे वापस? हाँ ऐसे चलें। आज हमारी तबीयत खुश हो गई, अल्लाह ने हमारी दिल की ख्वाहिश पूरी की, हम हमें जो है अल्लाह ने 0 मीटर गाड़ी दिलाई। तो चल के हम मैन अपने रिमार्क्स दीजिए गाड़ी के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह 3 days later. तो गाड़ी को आए हुए हो गए हैं 3 दिन और गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो अभी मैं जाऊंगा बाहर, कवर उतारूंगा गाड़ी का और पहली ड्राइव लूंगा। और पीछे जो आप मेरे देख रहे होंगे ये है सॉफ्ट लाइट, मैं बना रहा हूँ सॉफ्ट लाइट अपने यूट्यूब की वीडियोस के लिए। तो अगली वीडियोस में आप बेहतरीन सेटअप देखेंगे मेरा। तो हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में पहली बार, नहीं पहली बार तो नहीं है, और हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्मूथ स्टार्ट है काफ़ी। अब चलें इसका इंजन साउंड सुनते हैं अपन। साउंड तो सही है, अब चला के देखते हैं। कर दिया हमने, हमारी डीप है और बहन बैग नीचे हमारा। और चल
गाड़ी का पिक मुझे प्रोबॉक्स से ज़्यादा अच्छा लगा। फिलहाल तो हम गाड़ी को यहीं पर ही चलाएंगे, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है हमें इतनी। स्क्रीन विस्क्रीन लगी हुई है तो उसी के अंदर से देख के रिवर्स कर लूँगा आराम से। तो गाड़ी का रिव्यू जैसे भी हो सका मैं जल्द से जल्द बनाऊँगा, अभी थोड़ी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊँगा और सब आएगा, सिनेमैटिक शॉट भी आएंगे, इंतज़ार कीजिए। तो अभी हम गाड़ी को पार्क करने लगे हैं और ये बिस्मिल्लाह। मेरा बड़ा हैच फिट लगता है यार पार्क करते हुए, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं। तो आज का हमारा मिशन फ्रेंड्स ड्राइव ऑफ कार पूरा होगा। मुझे तो गाड़ी चलाते हुए ये डर लगता है कि मेरे साथ भी इरफान जोने जो वाला सीन ना हो जाए।